அனுப்பிடு. கம்மா பாரு, जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज अम्मा ने चले जाना है और अभी घास में तेल पड़ी थी तो मैंने सोचा घास थोड़ी देर बाद लेके आते हैं, तो मैं यहाँ पे मक्की लेके आई नीचे से। मैंने कहा चलो मक्की भूनते हैं सुबह सुबह, और शाम को भी भूनी थी तो खाते हैं। अम्मा भी आने वाली है, अम्मा से मिलवाती हूँ आपको। अम्मा बाहर गई है, फोन सुन रही थी मेरे भाई का। ये देखो, देखो। ये देखो, तो ये देखो अम्मा कट्ठे जाना गा नंगे सिर। क्या अम्मा बोलती है नंगे सिर नहीं दिखा मेरे को, ऐसे तो पहले के बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं मेरी अम्मा है, तो बीमारी की वजह से हो गई थोड़ी सी डाउन। अभी मेरी अम्मा बालक है। अभी हम मक्की वगैरह खा के हम आ चुके थे घास को। अम्मा तो ऐसे बस यही है घर के साथ ही है बिल्कुल। ये देखो ऊपर घर है साथ में, दिखा नहीं दिखेगा उसमें वजह। और ना आज अम्मा चले जाएंगे अपने घर। अम्मा ना थक गई अब है ना माँ। अम्मा कमजोर भी हो गई बहुत ज्यादा, और पहले तो बहुत काम करती थी। खैर मैंने तो क्या करवाना घर के पास ही, मैं कुछ नहीं ऐसे करवाती कि मैं काम करवाती हूँ अम्मा से। दो तीन पूरे मेरे साथ चल पड़ती है ऐसे ही भी, चलो मैं भी काटती हूँ दो चार पूरे। यहीं पे बैठे हैं सड़क में, ये देखो ये सड़क है, वो गेट रहा हमारा पीछे, ये देखो। तो अब अम्मा ना थक गए कमजोर, आज दूध नहीं पीते रहा बोलती भी नहीं है ना, किड्डा काम था अज। ये सोच कि आया हाथ में कौन जाना से तू, ये था ना अम्मा का ना, यहाँ हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, फिर उसमें प्लास्टर हुआ था कौन साल पहले। और पता है मैंने मक्की खा रखी है ना, मक्की से मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दहल है, मतलब जैसे आग निकल रही है, और बुखार भी आता है, टांग में भी दर्द है आज मक्की से ही। कुकड़िया थे आई मेरे से तो बोल खाने राम जमा इत पीड़ा ना है बेटा ना है। मैं कहा मिंजो ज्यादा लगे मिंजो आ जानो में मिंजो और पैरास्टा मोल ना अलकी दवाई तेरा निकार के बने हुंदी ये बोले ये बुखाऊं ते तो ये का गालो ते और ही ना कुकड़िया खाने ते बाद ही है दई दा। अम्मा बोल, अम्मा ने बोला खा ले कुछ नहीं होता ना, बीमार करते हमने ना ना बीमारी है ठीक की। अम्मा अब बस ऐसे भी सही रहे ना, पर ये काम करने से हट देने भाई, बहुत काम करती है, करती रहती है करती रहती है। माँ का ये बोलना है कि अगर आदमी काम करता रहे, फिर बोला मत का काम करता रहे तो शरीर फ्रेश रहता है ना। अगर आदमी बैठी अगर बैठ जाए आदमी, फिर आदमी बैठ जाता है। और अम्मा के भी इसी टांग में दर्द होती है, मेरी भी आज इसी टांग में, आज के मतलब मेरी भी इसी टांग में होती है बाई में। और अम्मा ने पहन लिए मेरे जूते, और मौसम आज कितना बढ़िया है ना। तो देखो ये घास हमने ना पता ये क्यों काटा, अभी ना सड़क ठीक करने वाले, मतलब मशीन लगी है पक्का, तो पता नहीं हमारे सामने तो होगा नहीं रोड, मुझे लगता नहीं कि पक्का हो जाएगा, पर ये कि चलो आएंगे। तो उन्होंने बोला कि जो सड़क के साथ साथ घास है ना उसको काट दो, वो खराब हो जाएगा, इसलिए हमने काट दिया। देखो ऊपर को तो मैंने पहले काट दिया, वो पार रह गए दो पुल है ना, मैं गुमरा रहे बस क्योंकि फिर ये खराब हो जाना, उन्होंने बिछाना इसमें मिट्टी वगैरह ना, तो फिर खराब हो जानी, और व्यू का तो कहना ही क्या। तो मेरी चपलियां किधर है, मेरी चपलियां चपलियां बोलते आए हैं अपने भाषा च, बोला है चपलियां। और ये मेरा दस्ताना, और ये दराटी इश्क भी है, और बस आना बस 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 ना अभी नहीं आता चलो क्या भाई तेरी थिप्पी जानो तू जानो। इन चलो जी दो के पूले मैं लेके जाती हूँ, दो से ज्यादा तो मैं ले नहीं जा सकती।
सॉरी। और आज मेरी टांग में ना बहुत ज्यादा दर्द है। यहाँ ना ठीक ठाक गड्डी हो गई है, उड़ती देखा मदराठी के साथ टीचर हुई हूँ। खोल गाने ना ना दान लगे हाँ के पर तो देखो मेरे पास कितना सारा घास हो गया। तभी और बचा हुई कुछ रुको तेरा। तो बस फिर बैठ गए थे हम चूड़ियां पहने, पीछे कद्दू की बेल कितनी प्यारी आ रही है ना, तो आप लोगों ने भैया देखे होंगे शुरू से यही पहनाते हैं और बहुत से लोगों ने इनका कांटेक्ट नंबर मांगा था। तो देखिए ऐसे कमेंट बॉक्स में मैं नहीं दे सकती कमेंट बॉक्स में, तो आपने मुझे या तो फिर मेल किया कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज, तो मैं इनका नंबर दूंगी आपको। और तो चूड़ियाँ सेलेक्ट कर रहे थे मैं और अम्मा, फिर मैंने अम्मा को बोला, मैंने कहा अम्मा आप बताओ कौन सा पहनो, तो अम्मा बोल रही थी कि ये वाला पहनो और अम्मा ने भी पहने, अम्मा बहुत खुश थी। और एक और वीडियो अम्मा के साथ, फिर अम्मा आज चली भी गई है, आज अम्मा चली भी गई, बस दो तीन ही वीडियो बनाए मैंने, ज़्यादा नहीं। इस बार मैंने अम्मा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी गप्पे मारी, कैमरा ज़्यादा नहीं ये किया कि नहीं। अम्मा के ना टांग में बहुत दर्द होती है, एक टांग में बहुत दर्द होती है, और कम लगभग 5 महीने 6 महीने तक अम्मा को लूज़ मोशन लगे रहे, तो इस वजह से अम्मा ना बहुत कमज़ोर हो गई है, वो मतलब रिकवरी धीरे धीरे हो गई है ना, फिर वैसा दूध भी नहीं है घर में उस तरह का खान पान है ना, तो मैंने बोला है कि गाड़ी वाले से ले लिया करो आप रोज़ किलो दूध, और फिर बाकी टेंशन नहीं आप करना, और रोज़ पीना दूध, दूध में बहुत ताकत होती है ना। तो फिर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी बाद में कि मैंने कौन सी चूड़ियाँ पहनी, गला मेरा फिर से बैठ रहा है सच्ची में, ये दिक्कत हो जाती है। माँ बाप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, अपने माँ बाप सास ससुर की सेवा किया करो, क्योंकि ये वो अनमोल चीज़ें हैं जो हम माँ किसी को नहीं बोल सकते दुनिया में, सास को बोल सकते हैं लेकिन जो माँ प्यार करती है ना वो सब नहीं करते। मेरी जान मेरी दुनिया, मम्मा नहीं भूखरी, माँ कुछ नहीं बोलिया, कुछ इलेटी देख कुछ नहीं बोलता, देख तो श्री भी देख कितना शरीफ है, देख ये गंदी बात काम नहीं करती बेटा, नहीं नहीं बच जा जाओ बच 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 जो जो किस तरह से भौंक रहा है, इसको भौंक रहा है कि ये हमारे आंगन में आई कैसे, हेलो हेलो देखो कैसे देखो पूछ ही ला रहा, हाँ देखी कुटिया मारे कर जा जा बेटा जा बेटा जा बच जा चलो जाओ ऊपर, आओ निकला दिए संता नहीं गिलाना, तू ही तो है मेरा बच्चा, इसको ना जल सी होती है, इसके साथ बात कर जाओ जाओ ये बहन दे बिना छोटी नहीं पहनी छोटी ये अच्छी लग रही थी अम्मा मेरी छोटिया नहीं है घावरा पोड़ा बेचारे कंग नहीं कत बनी
बढ़िया लगी ना मैं। ये किन पे दी थी? हीनो। ये वाली चूड़ियां ना भाभी ने दी थी करवा चौथ को पिछले साल, तो वो पहनी थी। हमारे पास चूड़ियां नहीं होनी ना, तो वो पहना दी थी नीचे लड़की ने। तो मैंने बोला कि तीन तीन रखो लाल वाली, बाकी नहीं, बाकी पिछले वाली सारी तोड़ दी थी, जितनी भी थी ना वो सब तोड़ दी थी। ये तो बिल्कुल छोटा कांडा बूढ़ा है सारे आगे जो जाए, इतनी दूर बैठ रही ये बिल्कुल छोटा मेरे। ये लो बिल्कुल छोटा तौर पे तेजी रो मैं था, एक ही दिन ऐसे आया था। हाँ वो बिड़िया भी नहीं था मैं, आज तो था मैं दातिया गया था। अच्छा 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 तेरे कान में तकलीफ। नुकसान ज्यादा नहीं होना मेरे, आज तो मेरे बड़ी इजीली आ गया, मेरे नहीं आंदिया कमजोर हाथी हल्का होगा। कई बार सोची सरों में ना, कई बार कम ऐसा ही रही काम करी के बैठना चढ़ चार आना पूरे चार चढ़ा। दे तो फुल कैसा ठाकुर, आजकल कमी रोटी आ रही, आजकल तो दुनिया के साथ किसी एक बाणा किसी दो किसी चार फुलके नहीं खाने नहीं। ना ते फिर दो तो यहाँ पे सबसे पहले होता है जो घर में आता है ना, कोई भी आता है तो सबसे पहले रोटी के लिए पूछना चाहिए, चाय के लिए, पानी के लिए, बाकी फिर बाद की बातें होती हैं, है ना। कोई भी घर में आए ना हमेशा रोटी के लिए पूछना ही नहीं चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं, दिल से कि हाँ खाओ ऐसा नहीं है। तो इन्होंने मना किया भैया ने कि हम खा के आए, कहीं श्राद्ध होना ना तो वहाँ पे इन्होंने खा के आए, पहले भी बहुत जगह चूड़ियाँ पहना के आए, तो फिर इन्होंने मना किया। पर मुझे झूल मोरी खेल पाई है ना, मुझे साल पहले भी। तो बस चाय पी के भैया चले गए थे, तो बस ऐसे ही बातचीत करते करते वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे अम्मा के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए, माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी, राम राम।